हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग एंड इसके ऑथर हैं अनीस जंग। सो आपको पता है हमारा ये सीरीज टारगेट 95 प्लस चल रहा है एंड इसका फर्स्ट वीडियो द लास्ट लेसन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा एंड आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, हम जानने वाले हैं जो चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। सो फिर से एक बार मैं बता दूं इस चैप्टर में क्या होने वाला है। सेम चीजें हम स्केच पढ़ेंगे, देन स्टोरी की समरी होगी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी साल ऐसा नहीं हुआ जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आप एग्जाम देने जाएंगे तो समझ लीजिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ओके, एंड सेकेंड थिंग ये कि इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी लिमिटेड है। जितने क्वेश्चंस मैं आज इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। सो सिर्फ आपको ये सेशन देखना है ना, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एंड थर्ड थिंग ये, यहाँ मैंने पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट इस चैप्टर में कोई सा भी क्लासिफिकेशन नहीं। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सब एक ना एक बार आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। यानी एक तरीके से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ये चैप्टर जो है वो हमारे क्लास 12th में इसका रखता है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी समरी क्या है, शॉर्ट समरी आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले। सो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एक्चुअली दो स्टोरीज से मिलकर बना है। फर्स्ट स्टोरी है एक रैक पिकर बच्चे के बारे में एंड सेकेंड स्टोरी है मुकेश जो कि मोटर मैकेनिक बनने के ड्रीम देखता है। ये चीजें हम इस स्टोरी के थ्रू पढ़ने वाले हैं एंड जो मेन एम जो हमारे ऑथर अनीस जंग जो है वो इस स्टोरी के थ्रू, इन दो स्टोरीज के थ्रू हम तक प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो ये है कि किस तरीके से गरीब बच्चों का जो बचपन है, इंडिया में जो पॉवर्टी है और छोटे एरियाज में गरीबों की जो हालत है, वो किस तरीके से बच्चों का बचपन वहां छिन जाता है, ये स्टोरी के थ्रू हम आज समझने वाले हैं। सो आई होप कि हम सब रेडी हैं इस स्टोरी के पढ़ने के लिए एंड अब आपका सारा फोकस होना चाहिए इस वीडियो पे। एनसीईआरटी बुक आपको नहीं रखना है, पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो एंड होने के बाद आपको बस बुक एक बार रीड करना है, देन आपका ये स्टोरी कम्प्लीटली, ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा एंड सेकेंड टाइम हम इसको पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पे जहां हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन टारगेट 95 प्लस हमारा अचीव हो जाएगा। अब आपका सारा फोकस इस वीडियो में क्लियर। सब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेशन जो हमारे इस वीडियो में होने वाला है, वो है इस स्टोरी का समरी। दो स्टोरीज है, दोनों की समरी हम रीड करेंगे, आप इसको ध्यान से समझ लिए सारे क्वेश्चंस आपसे डील हो जाएंगे। सो आई होप हम रेडी हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका समरी। फर्स्ट स्टोरी है हमारा द लास्ट लेसन पार्ट वन, Sometimes I find a rupee in the garbage. Okay. So, ये जो हमारी स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑथर अनीस जंग खुद एंड सेकेंड है साहेब। साहेब एक रैक पिकर बच्चा है जिसके बारे में ये स्टोरी है। सो ऑथर स्टोरी को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हर सुबह सीमापुरी नाम के एक जगह पे ऑथर को एक बच्चा दिखता है जिस बच्चे का नाम साहेब है। साहेब और उसकी फैमिली बांग्लादेश में रहती थी, बांग्लादेश में खेतों में वो काम करते थे, काफी अच्छे उनके घर थे, बट एक बार तूफान आया और उनके खेत जो है वो तबाह हो गए, उनके घर पूरी तरीके से तबाह हो गए एंड वो वहां से माइग्रेंट करके यहां इंडिया में आ गए सीमापुरी। अब ऑथर ये बताते हैं कि जब कई महीने ऑथर उस बच्चे को देखते गए, महीने हो गए उस बच्चे को देखे, तो ऑथर उनसे जाके पूछते हैं कि आप लोग जो हो वो साहेब से जाके पूछते हैं कि पूरा नाम क्या है तुम्हारा। साहेब अपना पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम है साहेबे आलम। अब ऑथर सोच में डूब जाते हैं कि इस बच्चे का जो नाम का मतलब है वो इस बच्चे को खुद नहीं पता। साहेबे आलम मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट इस बच्चे का जो रियलिटी है वो जस्ट अपोजिट है। इस सोच में ऑथर डूब जाते हैं। फिर ऑथर वो जो बच्चों का ग्रुप है जो वहां पे कबाड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है एक्चुअली देखिए वो कबाड़ हमारे लिए कबाड़ है बट उनके लिए वो एक खजाना है, उनके लिए सोना है, क्योंकि ये जो बच्चे उनको पता नहीं इस कबाड़ में किस दिन उनको क्या मिल जाए। ये
माइंड उनके में चलते रहता है एंड उनके लिए ट्रेजर हंट इसलिए क्योंकि वो हर बार सरप्राइज में रहते हैं कि अब हमको क्या मिलने वाला है। सो ऑथर उनसे पूछते हैं कि आप लोग ये काम क्यों करते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो उन बच्चों ने जवाब दिया कि यहाँ हमारे लिए स्कूल नहीं है, कई लोग स्कूल जो है वो हमारे लिए ओपन करने वाले हैं। तो ऑथर ने क्या है प्रॉमिस कर दिया कि चलो, जोकिंगली मजाक में, कोई सीरियस नहीं था ऑथर, कोई उनके मन में ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल ओपन करूंगा, सिर्फ मजाक में उन्होंने उनको कह दिया कि ठीक है मैं स्कूल ओपन करूंगा। नेक्स्ट जब वन मंथ बाद जब ऑथर उनसे मिलते हैं तो सबसे पहले वो उनसे पूछते हैं स्कूल हमारे लिए बन गया क्या। अब ऑथर को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो झूठा वादा किया था, मेरे मन में कुछ इस तरीके का था भी नहीं कि मैं इनके लिए स्कूल बनवाऊं, इसलिए ऑथर काफी एम्बैरेस्ड फील करते हैं एंड वो माइंड में ये भी सोचते हैं कि ना जाने इस दुनिया के कितने कोनों में कितने लोगों ने इन भोले मासूम बच्चों को इस तरीके का वादा किया होगा जो वो मन से पूरा करना भी नहीं चाहते। ये इस सोच में ऑथर जो है वो डूब गए। अब फिर ऑथर देखते हैं कि ये जितने बच्चे हैं वो खाली पैर चलते हैं, वो उनके पास चप्पल नहीं है, वो चप्पल नहीं पहनते। तो जब ऑथर को फिर कई सारी स्टोरीज याद आती है, जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, उनको कई सारे अलग अलग रीजंस मिले। एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी ने चप्पल ऊपर रख दिया, अब उनको निकालने में प्रॉब्लम होगी इसलिए हम लोग चप्पल नहीं निकालते। एक बच्चे का बहाना ये था कि हमारा जो ट्राइब है, हमारा जो कास्ट है या हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें हम लोग चप्पल पहनने को अच्छा नहीं मानते। इस तरीके के कुछ रीजंस जो थे वो बच्चे अपने आप को देते थे कि हाँ चप्पल पहनना जो है या चप्पल हम जो नहीं पहन रहे हैं वो हमारा ट्रेडिशन है, ये कोई ऐसा गलत बात नहीं है कि हम चप्पल नहीं, एक तरीके से वो खुद को शांत बना देते थे, ऑथर का ये कहना था। अब होता ये है कि जब ऑथर जो है वो कुछ दिन बाद जब साहिब को देखते हैं तो साहिब टेनिस शूज पहने रहता है, साहिब आलम जो है वो टेनिस शूज पहने रहता है। ऑथर को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह इसके पास शूज आ गया एंड इसलिए अब ऑथर उससे पूछने जाते हैं कि ये शूज तुमको किसने दिया। तो वो कहता है कि एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे ये टेनिस शूज का जो पेयर है वो गिफ्ट किया। अब ऑथर बहुत खुश हो गया कि एक तरीके से इस बच्चे का बचपन का सपना था शूज पहनना, आज वो पूरा हो गया। अब देखिये इस स्टोरी का जो ये चैप्टर है हमारा उसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। अब ये द लॉस्ट स्प्रिंग आखिर इस स्टोरी में आया कहां पे, ये लास्ट स्प्रिंग स्टोरी में अब आएगा। एक बार ऑथर कई महीनों बाद जब उनको फिर से गरीबों की हालत देखने का इच्छा हुआ कि क्या इनके लिए कुछ प्रोग्रेस हुआ है, जब वो फिर से सीमापुरी के इलाके में गए तब वो देखते हैं कि साहिब जो है वो एक चाय की दुकान पे काम कर रहा है। ऑथर को ये देख के बुरा लगता है, हाँ उसको सैलरी मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं उस काम के लिए, लेकिन जो साहिब के चेहरे पे जो इंडिपेंडेंटनेस था, जो उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, जो उसके चेहरे पे जो जॉय था, जो हैप्पीनेस था, जो उसके चेहरे पे चमक थी, वो आज गायब थी। और ये चीज ऑथर को बहुत अंदर तक दुखी कर देती है और ऑथर कहते हैं कि जो साहिब उस वक्त बच्चा था जिससे मैं काफी टाइम पहले मिला था, जिसके पीठ में प्लास्टिक की एक बोरी रहती थी, जिसपे कबाड़ इकट्ठा हुआ रहता था, आज उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है, चाय रखने वाली स्टील की केतली है। और ऑथर कहते हैं कि उस प्लास्टिक के रद्दी भरे बैग से ज्यादा भारी मुझे ये स्टील का कनस्तर लगा, क्योंकि जो बैग है वो साहिब का खुद का था और ये जो स्टील की केतली है, ये जो चाय का उसने ट्रे अपने हाथ पे रखा है, ये उसका खुद का नहीं है, ये उसके ओनर का है। अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो दूसरे का नौकर बन चुका। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो हमारा लेसन है इसकी सेकेंड स्टोरी, जिसका नाम क्या है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसका भी ऑथर सेम है अनीस जम, इसको भी आप काफी ध्यान से सुनिए, ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है एंड ये भी इंडिया में जो पॉवर्टी का हालत है, जो गरीबी है इंडिया में, उससे टच करती हुई ये स्टोरी। So, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ऑथर के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है कि जब ऑथर नए नए लोगों से मिले तब उन्होंने क्या क्या देखा, ये रियल लाइफ बेस्ड है, ये ट्रू इवेंट्स है, ये कोई स्टोरी नहीं है। सो इन्हें स्टोरी कहना गलत होगा, इनसे लेसन जरूर मिल रहा है। अब लेसन क्या मिल रहा है ये हम इस स्टोरी इसको पढ़ने के बाद, इस समरी को देखने के बाद समझ में आएगा। सो होता ये है, ऑथर जब फिरोजाबाद में पहुंचते हैं तो उन्हें मुकेश नाम का आदमी मिलता है
और मुकेश जो है वो क्लेम करता है कि मैं खुद का मालिक हूँ। आर्थर को पता चलता है कि मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना है। मुकेश कहता है कि मेरा ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना। आर्थर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ आता है, तो मुकेश कहता है नहीं कार के बारे में तो मुझे कुछ नहीं आता, बट मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, ऐसा मुकेश का कहना है। अब होता यह है कि मुकेश उन्हें अपने घर ले जाने के लिए, घर दिखाने के लिए ले जाता है, बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत खुशी में बताता है कि मेरा जो घर है वो रिनोवेट हो गया, मेरे पापा ने मेरे बड़े से घर को रिनोवेट करा दिया है, ऐसा मुकेश का कहना है। अब मुकेश जो है वो अनीस जो हमारे ऑथर है उनको अपने साथ उस बस्ती में लेके जाता है जहां वो रहते हैं। तो जाते जाते धीरे धीरे ऑथर देखते हैं कि जो गलियां हैं वो सकरी होती जा रही है, जो घर है वो टूटे फूटे हैं, घर के जो दरवाजे हैं वो ऐसे ही लटक रहे हैं, पता नहीं कब वो दरवाजे टूट जाएंगे। वो और आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि एक ही घर में इंसानों की भी और जानवरों का भी परिवार रह रहा है। इस तरीके से उस जगह में गरीबी था, और जब वो आगे गए तो वो एक अजीब टाइप के घर में अंदर घुसते हैं जिसका दरवाजा जो है वो एक कील पे लटक रहा है, जिसमें ताला भी नहीं है, एंड वही वो घर है जिसकी बात मुकेश कह रहा है कि मेरे पापा ने मेरे घर को रिनोवेट करा है। जब वो उस घर में घुसते हैं, देखिए फिरोजाबाद की मैं इंपॉर्टेंस आपको बता दूं, फिरोजाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए। फिरोजाबाद का हर परिवार सिर्फ चूड़ियां बनाता है, एंड वहां के छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में अभी लगे हुए हैं। फिरोजाबाद अगर हम देखें तो इंडिया का बैंगल मेकिंग कैपिटल है। लॉ में आपने पढ़ा होगा या लॉ के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो हमें यह पता है कि चाइल्ड लेबर का जो लॉ है वो कहता है कि बच्चों को हार्ड फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, आग के बीच या ऐसी फैक्ट्रीज जहां जान का खतरा है वहां काम नहीं करवा सकते। कई बार हमारे माइंड में आता है कि फिल्म में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल में जो एक्टर काम कर रहे हैं वो भी चाइल्ड लेबर है, वो चाइल्ड लेबर नहीं, क्योंकि उस काम में खतरा नहीं है। अगर कोई बच्चा आग के बीच काम कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी खतरनाक फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, तो वो चाइल्ड लेबर है, इसलिए इसको आप मिक्स मत करिए। सब होता यह है कि अगर इस लॉ के थ्रू काम किया जाए तो फिरोजाबाद के 20,000 बच्चे बैंगल मेकिंग का काम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ दूसरा उनके पास काम है भी नहीं, कोई दूसरा उनके पास रास्ता है भी नहीं। एंड अब ये लॉ काम क्यों नहीं कर रहा है आपको इस स्टोरी में आगे चल के पता चलते जाएगा। तो जब ऑथर उस घर में घुसता है तो वो देखता है कि उस घर के एंट्री करते ही वहां एक यंग लेडी जो है वो बैठी और वो खाना बना रही है, और वो जो लेडी है वो है मुकेश की वाइफ। और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बैंगल मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक अंधेरे कमरे में होता है। अंधेरे कमरे में फर्नेस में भट्टी में चूड़ियों को बनाया जाता है कांच को पिघला के। एंड होता यह है कि इस काम की वजह से उन्हें कई सारे डिजीजेस भी होते हैं वहां के लोगों को, अस्थमा प्रॉब्लम होता है, सांस लेने से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। आई कई बार मोस्ट केसेस में फिरोजाबाद के जो लोग हैं जो चूड़ी बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो आगे चल के एज के साथ अपना आईसाइट खो देते हैं, वो उन्हें दिखना बंद हो जाता है। ऑथर को ये सारा स्थिति बहुत खराब लगता है, और जब ऑथर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठी है। बूढ़ी महिला को पता है, उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, और लेकिन उनका मानना यह है कि ये हमारा कर्म है, ये हमारा डेस्टिनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे पति का कर्म था, उनकी किस्मत में लिखा था कि अगर उनका अंधा होना तय था तो वो हुए हैं, किस्मत में लिखा, कोई नहीं मिटा सकता, हमारा काम है, भगवान ने हमें लिख के दिया है कि हमें चूड़ियां बनानी है तो हम चूड़ियां ही बनाएंगे, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस तरीके की सोच थी ऑथर जो बूढ़ी दादी वहां बैठी थी। और फिर वो देखते हैं कि उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी है और वो बच्ची भी चूड़ियां बना रही है। अब ऑथर ये सोचते हैं, देखिए जो लास्ट स्प्रिंग है दूसरे नंबर की स्टोरी पे वो इस जगह पे आता है। ऑथर सोचते हैं कि ये जो बच्ची अभी चूड़ी बना रही है इसको नहीं पता कि ये चूड़ियों का क्या महत्व होता है एक भारतीय नारी के लाइफ में। कुछ दिन बाद इस बच्ची का जो बचपना है वो इससे छिन जाएगा, ये भी किसी की दुल्हन बनेगी, और इसके बगल में जो दादी बैठी है इस तरीके का कुछ रोल इसका आगे चल के होने वाला है। ये सारी चीजें ऑथर के माइंड में आई, एंड देन एक रे ऑफ होप उनको दिखा। एक्चुअली जब ऑथर कई सारे यंग लोगों से मिले, यहां मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो लॉ है वो इस स्टोरी में काम क्यों नहीं करता है, ऑथर वहां के कई सारे यंग लोगों से मिले, यंग लड़कों के ग्रुप से मिले, और उनको वो सजेशन देते हैं कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म नहीं करते, आप लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते चूड़ी बना के, एक साथ ग्रुप बना के इसको आप बाहर सेल करिए, इसको आप ऑनलाइन मार्केट में सेल करिए, अपने चूड़ियों को आप एक्सपोर्ट कराइए, क्वालिटी बढ़ाइए, इससे आपका बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा।
तो अब वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उनका आंसर आप सुनिएगा, वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस हमें मारेगी। ऑथर को सारी कहानी अच्छे से समझ आ जाती है। उस दिन उस वक्त ऑथर को फिरोजाबाद ने दो तरीके की दुनिया देखी। पहले तरीके की दुनिया ये जिसमें आदमी अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, अपना सेहत का ध्यान नहीं रख रहा है और दिन रात सिर्फ चूड़िया बना रहा है, लेकिन उनका प्रोग्रेस क्या है? जीरो। अभी भी वो उस टूटे घर में रह रहे हैं, अभी भी उनके घर का दरवाजा लटक रहा है, अभी भी जानवर और इंसान एक ही घर में रह रहे हैं। उनको पता है कि आगे चल के उनके आंख की जो रोशनी वो जाने वाली है, फिर भी दिन रात वो ये मेहनत कर रहे हैं, बट प्रॉफिट उनका बिल्कुल भी नहीं। और जो दूसरी दुनिया ऑथर को दिखती है वो है पॉलिटिशियंस की, वो है ब्यूरोक्रेट्स की, वो है पुलिस की, वो है दलालों की, बिचौलियों की, जो मिडिल मैन से उन सब की दुनिया, जो कि इन लोग को अपने जो रियल सक्सेस उससे दूर रखते हैं। किस तरीके से दूर रखते हैं? इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं कि अगर तुमने ये सब किया, अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल में ले जाएगी और वहां तुम्हें बहुत मारा जाएगा। इस तरीके से उनके मन में खौफ पैदा कर दिया गया है एंड इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। तो ये दो तरीके की दुनिया है। पहले दुनिया जिसमें एक गरीब आदमी अपनी पूरी मेहनत से, पूरे लगन के साथ अपना जिंदगी लगा के दिन रात मेहनत कर रहा है, और दूसरी दुनिया ये है जहां ये जो बड़े बड़े लोग हैं अपना एक ग्रुप बना के उनके प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। इसीलिए इस देश में होता ये है कि गरीब और गरीब होते जाता है, अमीर और अमीर होते जाता है। और लेकिन जो ऑथर को जो रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण दिखती है, वो मुकेश के अंदर दिखती है कि मुकेश की जो सोच है वो इन बाकी लोगों से काफी अलग है। मुकेश का ये नहीं मानना है कि ये मेरा कर्म है कि मैं पैदा हुआ तो मुझे चूड़िया ही बनानी है, ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं चूड़ी बना के अपनी आंख की रोशनी खो दूंगा। उसके परिवार वालों से काफी अलग सोच है मुकेश का। मुकेश का सोच है कि वो एक दिन इस गांव से निकलेगा और आगे चल के वो मोटर मैकेनिक बनेगा। उसका सपना है मुकेश का एंड ऑथर ने मुकेश की आंखों में वो लगन देखी है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसलिए ऑथर को ये उम्मीद की किरण दिखती है। लास्ट में ऑथर मुकेश से पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्लेन्स का भी शौक है? मुकेश कहता है प्लेन्स का तो शौक मुझे नहीं है, वो रोज यहाँ ऊपर से प्लेन आते जाते रहती है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, कार के बारे में सीखना। एंड यहाँ पे जो हमारी सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो एंड हो जाती है। ये दोनों स्टोरीज काफी दिल को छूने वाली स्टोरी थी एंड मुझे पर्सनल बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। आई होप दोनों समरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड अब इन दो समरीज को देखने के बाद हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें आपका कोई सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे क्वेश्चंस लाइन से आपके बनेंगे। एंड ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिए एंड सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूं, इतना अच्छा ये स्टोरी का समरी था, आपको समझ में आया होगा क्योंकि इमोशनल टच करने वाली स्टोरी है। एग्जाम्स में क्वेश्चन तो आएंगे ही, बट हमारे लाइफ में ये स्टोरी से हमको सीख लेनी है कि हमारा भी उनके प्रति एक कर्तव्य है जो हमें अपनी लाइफ में निभाना है। गरीबों के प्रति हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, हर किसी की अपलिफ्टमेंट जरूरी है एंड इसी फील्ड में हमारा चैनल भी काम कर रहा है। एंड ये रिक्वेस्ट आपसे मेरा ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके आप इस चीज को पहुंचाइए। एक तरीके का मिशन है हमारा कि कोई सा भी एरिया ऐसा ना बचना चाहिए जहां एजुकेशन ना पहुंच सके, हमारा एम है ये। एंड इस चीज को आपको भी इस चीज में जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि हमारे चैनल में 11th एंड 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अब इंग्लिश के इन सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस आपको मिलते हैं विदाउट एनी फी, बिना किसी चार्ज के, आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए एंड इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, ओके? एंड मुझे पता है आप हमारे बिना बोले भी ये काम जरूर करने वाले। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। सो क्वेश्चन लोड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? Where is he and his family came from? थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कंसिडर कर लीजिए। NCERT क्वेश्चन है भाई, तो ये ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? साहिब जो है वो गार्बेज, जो कचड़े के ढेर में, उसमें क्या ढूंढ रहा है? तो मैंने आपको स्टोरी स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ जो है ऑथर ने कचड़े के ढेर में बताया कि वो गोल्ड ढूंढ रहा है। एक्चुअली गोल्ड किस तरीके से ढूंढ रहा है? वो उस तरीके के सामान ढूंढ रहा है जिसको वो अपने पास ले सके एंड जब वो उनको बेचे तो उसको कुछ पैसे मिले जिससे वो दो वक्त की रोटी कमा सके। ये चीज साहिब जो है वो गार्बेज डंप में ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे पूछा है उसकी, वो और उसकी फैमिली कहाँ से आते हैं? तो हमने देखा कि ये साहिब और उसकी फैमिली जो है वो बांग्लादेश के माइग्रेंट्स है,
जो कि सीमापुरी में आके बसे। ये खेतों में काम नहीं करना चाहते क्योंकि खेत से उन्हें धान भी अच्छे से नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो है वो थोड़े कचड़े इकट्ठा करके इनको बेच के दो वक्त की रोटी कमा सकते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर? मैंने आपको बताया सिटी ऑफ फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज साहिब्स लाइफ एट द टी स्टॉल? अब यहाँ पे पूछ रहा है साहिब की जो जिंदगी थी वो टी स्टॉल में किस तरीके की हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ऑथर ने बाद में साहिब को वापस, जब कई साल बाद ऑथर जब वापस आया तो देखता है कि साहिब के हाथ में एक स्टील की केतली है, अब उसके कंधे पे वो प्लास्टिक का बैग नहीं है जिसमें वो कचरा उठा के लगता था। अब ऑथर साहिब के चेहरे पे वो चमक नहीं है जब वो कचरा उठाते, कचरे के ढेर में उसे पाया गया था। अब साहिब का चेहरा एक बोझ के तले दबा हुआ चेहरा है और अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है। ये सारी तरीके के चेंजेस इसमें आए थे। देखिए हमको क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये देखना है, हमको आंसर रटने नहीं है। अगर एग्जाम हॉल में नया क्वेश्चन कुछ आपके सामने आया तो मैं चाहता हूँ आप तुरंत उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सके। ये नहीं चाहता कि एक आंसर आपका रटा हुआ आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए। इसलिए आपको ध्यान इस पे देना है कि किस तरीके से आप आंसर को डील करते हैं, इस पे नहीं कि आंसर आप रट कितना सकते हैं। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपने फैमिली से अलग क्यों है, मुकेश की फैमिली का एटीट्यूड क्या है। ओके, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। ध्यान से मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ता हूँ। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे उनके भी मैंने आंसर्स पढ़े थे, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आपने दिया एंड एक आंसर मुझे काफी पसंद आया था तो मैंने उसको पिन भी किया है, जो कि उन्होंने खुद से लिख के ट्राई किया था इसलिए वो आंसर काफी अच्छा था। गूगल से कॉपी पेस्ट मत करिए, इससे कुछ होगा, पता चल जाता है कि गूगल की लैंग्वेज है। आप खुद से लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सो वो आंसर मैंने पिन किया था, इसके भी आंसर मुझे जरूर चाहिए। मैं सारे कमेंट ध्यान से पढ़ूंगा एंड जो मुझे पसंद आएगा वो मैं पिन भी करूंगा। रिप्लाई तो ऑब्वियसली मैं सबको करता हूं तो कमेंट आप कर ही सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, होमवर्क, आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कौन से फोर्सेज है। ब्यूरोक्रेट्स के फोर्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या हुए, कलेक्टर, एसपी, लॉयर्स या जो भी ब्यूरोक्रेट्स है जो कि सरकारी नौकरी में है या जिनके अंदर, जिनके हाथ में पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, वो लोग, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे लोगों का जो एक ग्रुप है, बड़े बड़े लोगों का जो एक ग्रुप है, वही जो है फोर्स, जिस फोर्स के बारे में बात की गई है ये फोर्स उन्हीं बड़े लोगों का फोर्स है जो कि यहाँ जो फिरोजाबाद के जो गरीब बैंगल मेकर्स हैं उनको पॉवर्टी में ही रख रहा है, उनको प्रोग्रेस करने से रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द आयरनी इन द इन साहिब्स नेम। ये भी मैंने आपको समरी में बताया। देखिए समरी आप समझ जाइए, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे क्योंकि समरी में मैंने एक एक पॉइंट कवर किए हैं, कोई सा भी पॉइंट इसमें आपका नहीं छूटा है। गलती से छूट भी गया होगा क्वेश्चन में वो पॉइंट कवर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो साहिब के नेम में आयरनी क्या है, साहिब के नेम में आयरनी है साहिब की लाइफ से लेके। साहिब के नाम का मतलब है साहिबे, साहिब का पूरा नाम है साहिबे आलम एंड साहिबे आलम का मतलब होता है यूनिवर्स का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का किंग, जिसके अंदर सारा जहान है, पूरे विश्व का राजा। और साहिब काम क्या करता है, साहिब एक गार्बेज कलेक्टर, एक रैक पिकर है, कचरा उठाने वाला है, यही आयरनी है साहिब और उसके नाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू अचीव हिज ड्रीम? अब मुकेश का ड्रीम क्या था, मुकेश से ऑलरेडी मैंने होमवर्क दे दिया तो इसको मैं आपको होमवर्क नहीं देता, इसका आंसर नहीं बता देता। मुकेश का ड्रीम क्या था, एक आप लोग भी इसको एक बार सोचिए, तब तक मैं आंसर बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए, फिर चेक करिएगा कि आपका कितना सही है। मुकेश का ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनने का, यस, एंड क्या वो अपना ड्रीम अचीव करेगा? तो ऑथर कहते हैं कि मुकेश के आंखों में उन्होंने वो आग देखी है, वो लगन देखी है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसलिए अगर वो उस लगन का पीछा करेगा, कई कोशिश करेगा, तो वो जरूर उस ड्रीम को अचीव कर पाएगा। इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मुकेश ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, या मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू अचीव हिज ड्रीम? अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, आई थिंक दैट मुकेश विल बी एबल टू अचीव हिज ड्रीम बिकॉज इफ मुकेश वर्क्स कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स हिज ड्रीम and author says that he has seen the faith and the
वी कैन से द ऑथर हैज सीन द फेथ एंड द डेडिकेशन मुकेश इन आईज ऑफ मुकेश एंड दैट इज व्हाई ही थिंक्स दैट मुकेश विल श्योरली अचीव हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक. इस तरीके से आप फ्रेम करिए आंसर को. अभी आंसर मैंने रटा हुआ नहीं है, आंसर में यहाँ खड़े होकर बना दिया क्योंकि मुझे स्टोरी पता है. आप स्टोरी समझ जाइए, एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, आप बेहतरीन आंसर लेके आएंगे एंड फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. एंड वो जो मैंने शॉर्ट लाइंस वाली चीज आपको बताई, एग्जाम टाइम में जरूर डील करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. ये आपका होमवर्क है, आप चाहे तो लिख सकते हैं. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखिए लिमिटेड क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं. ओके, लिमिटेड क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे. अब यहाँ पे देखिए इसके कई सारे मतलब है जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो मैं पेन ले लेता हूं, ब्लू कलर. ओके, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे. टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. अब हमने यहाँ पे दोनों बार देखा कि किस तरीके से जो बच्चों का बचपना है वो छिन जाता है. तो पहला रीजन ये है लॉस्ट स्प्रिंग का कि जो चाइल्डहुड है, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे हो गया चाइल्डहुड से, एंड लॉस्ट मतलब खो जाना. लॉस्ट मतलब क्या हो गया, खो जाना. तो एक तरीके से बच्चों का जो बचपना है वो खो जाता है. एंड किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, पहले आपको मतलब बताना है कि स्प्रिंग से ऑथर का मतलब है चाइल्डहुड से, एंड लॉस्ट मतलब होता है, लॉस्ट मतलब तो आप लिख ही सकते हैं, लॉस्ट का तो मीनिंग सबको पता होता है. या आपको इस तरीके से इसका मीनिंग लिख देना है. एंड देन आपको आंसर क्या लिखना है कि आपको मुकेश की स्टोरी वहां पे बता देनी है एक बार, कि किस तरीके से मुकेश, एक्चुअली मुकेश की स्टोरी मत बताइएगा, मुकेश की बहन की स्टोरी बताइएगा, जो कि मुकेश की जो सिस्टर है वो अभी क्या कर रही है, बैंगल मेकिंग का काम कर रही है कि नहीं. एंड अभी वो क्या है, चाइल्डहुड में. मुकेश की बहन जो है वो अभी चाइल्डहुड में है, बट कुछ टाइम बाद ऑथर कहते हैं, आपने देखा होगा कि ऑथर का कहना है कि मुकेश की बहन जब एडल्टहुड में आएगी जब उसकी क्या होगी, मैरिज होगी. तो जब उसकी मैरिज होगी तो जिस तरीके से उसकी दादी है वो उसके बगल में बैठी है, उस तरीके का उसका रोल हो जाएगा. एंड इसके थ्रू उसका जो बचपना है वो क्या है, खो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा. सेकंड स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी किसकी, साहेब की. एंड साहेब की स्टोरी क्या है, आपको पता है कि साहेब जो है वो एक रैग पिकर बच्चा था, अपने मर्जी का मालिक था. क्या क्या था वो, एक वर्ड में साहेब को अगर हम एक्सप्लेन करें, चाय बेचने के पहले तो वो क्या था, इंडिपेंडेंट था. ये वर्ड आप अगर आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर चेक करने वालों को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को आंसर पता है. तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं, जब साहेब रैग पिकिंग का काम करता था तब वो क्या था, इंडिपेंडेंट था. बट जब साहेब चाय बेचने लगा तो उसके चेहरे से जो इंडिपेंडेंस है वो छिन गया, एंड नाउ वो ओन मास्टर. ये वर्ड आपको याद रखना है यहाँ पे, ओन मास्टर मतलब खुद का मालिक अब वो नहीं रहा. इस तरीके से ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे इतना एक्सप्लेन किया. एंड इतना अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, फुल मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव. अब देखिए मैंने कई बार आपको यहाँ पे ये बोला कि इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं. क्यों रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो बैंगल मेकर्स है वो खुद को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाते. एंड इस क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी. ये जो दोनों क्वेश्चन हैं अलग अलग लग रहे हैं पढ़ने में, है कि नहीं. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है. ये पूछ रहा है वो खुद के ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते. अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि पिछले क्वेश्चन में रीजन पूछा है पॉवर्टी का, कि वो पॉवर्टी में क्यों है, वो गरीब क्यों है. यहां पे पूछा है वो खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते. इस क्वेश्चन में पूछा है वो खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते. अब मैंने आपको समरी में बताया है कि वो खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे तो पॉवर्टी होगी. वो पुअर इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. अगर वो खुद को ऑर्गेनाइज कर लिए तो वो क्या है, उनका क्या होगा, प्रोग्रेस होगा. तो इस तरीके से हमको यहां क्लियर पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, एंड दोनों के आंसर है फोटो कॉपी सेम होंगे, बस स्टार्ट आपको क्वेश्चन से कर देना है थोड़ा सा. क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, ध्यान मत दीजिए, जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे. इस चैप्टर में मैं जितने क्वेश्चन लाया हूँ उतने ही क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन नया भी आया तो आंसर इसी में बनेगा. मैं हर वीडियो में अपनी यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर इन्हीं में से बनेंगे, क्वेश्चन नया रहेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटिफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वैलर। अब स्क्वैलर यहाँ पे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है माइजरी। माइजरी मतलब बहुत गंदे हालत में, पुअर हालत में, बहुत ही खराब स्थिति में जिनको जो रहते हैं या जो बहुत खराब स्थिति जो होती है उसे माइजरी कहते हैं या स्क्वैलर कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम आता है तो मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर मैं डील करते हैं, इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है एक्चुअली ये एबीपीवाईक्यू है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया था, आई गेस 2017 में आया था, ये कंपार्टमेंट और दिल्ली एग्जाम में आया था एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहा गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जो हमारी सेकंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उस पूरे स्टोरी का समरी इसमें लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप इसका आंसर आपसे बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसके आंसर को डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है कि जो बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद है वो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाते हैं, ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन जो उनके और सबको खुश रखते हैं, वो सबको खुश रखते हैं, ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन जो उनकी खुद की लाइफ है वो स्क्वायर में रहती है, वो मरते भी बुरी तरीके से। अब यार आई लॉस्ट हो जाना तो बहुत ही अजीब चीज है कि नहीं, या रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाना भी बहुत ही बुरे तरीके का चीज है एंड ये डेथ को अच्छा मान ही नहीं सकते। सो यही चीज इसमें पूछा है, हमको क्या करना है, इलाबोरेट करना है। तो सबसे पहले ये आंसर को हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है, हमको इस आंसर को स्टार्ट ऐसे करना है कि हमको एक्चुअली फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है। फिरोजाबाद का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो बैंगल मेकिंग है, लोग कलरफुल बैंगल्स बनाते हैं बहुत। सो क्या क्या पॉइंट्स होने वाले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला होगा फिरोजाबाद के ब्यूटीफुल बैंगल्स में क्या हम लिखेंगे, ब्यूटीफुल बैंगल्स में हमको कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं, कलरफुल, और कलरफुल के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्लॉसी मींस चमकते हैं बहुत, सो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं एंड बाकी हेल्पिंग वर्ब्स और सेंटेंस पे ये वर्ड्स आपको जोड़ देंगे। कलरफुल बैंगल्स बनाते हैं, ग्लॉसी बैंगल्स बनाते हैं एंड हम क्या बोल सकते हैं, फिनिशिंग, उनकी फिनिशिंग काफी अच्छी रहती है इसलिए वो वर्ल्ड फेमस है एंड इन सब रीजंस की वजह से ये जो है वो सभी को हैप्पी रखते हैं। यहां तक इसका हमारा आई गेस 30-40 लाइन का आंसर यहां पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि उनका खुद का लाइफ जो है वो माइजरी में स्क्वेलर में बीतता है, तो किस तरीके से उनका खुद का लाइफ जो है वो माइजरी या स्क्वेलर में बीतता है। वो जो है क्या है, फर्नेसेज में काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं, कांच को पिघलाने के लिए, चूड़िया बनाने के लिए एंड इसकी वजह से उनको क्या है, कई सारे डिजीजेस होते हैं, इसकी वजह से उनको डिजीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिजीज एंड और कौन से डिजीज उनको होते हैं, आई प्रॉब्लम, आई साइट, ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं कि माइजरी के रीजन में कि वो जो है वो जब भट्टी में काम करते हैं तो उनको डिजीजेस होते हैं एंड उनको रेस्पिरेटरी डिजीज एंड आई डिजीज होते हैं। 30-40 वर्ड्स का आंसर यहाँ पे बन जाएगा एंड जो लास्ट 30-40 वर्ड्स के आंसर बचे हैं वो जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए एंड पुलिसमैन, इनका जो ग्रुप है, सो ये सारे बड़े बड़े लोगों का जो ग्रुप है वो किस तरीके से इनको गरीब बना के रखा है, किस तरीके से इनको डरा के रखा है, ये चीज हम एक्सप्लेन कर देंगे। 120 वर्ड्स का एक काफी सुंदर सा आंसर यहाँ हमारे पास पक के तैयार हो जाएगा एंड उसको हमको आंसर शीट में सर्व कर देना है और आंसर चेकर खुश हो जाएगा, वाह इस बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। क्लियर? तो अगर आप स्टोरी अच्छे से समझ गए तो कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, आप सबका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बस आपको स्टोरी अच्छे से समझना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ टू द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लेट लीव। सो इसका कहना यह है कि फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये ट्रेजर है,
वंडर है, रैप्ड इन वंडर मींस हो गया अगर वर्ल्ड वर्ड में हम इसको बोले तो एक तरीके से ये क्या है, ट्रेजर है। ट्रेजर मीन क्या हो, मतलब क्या होता है, खजाना, खजाना कि किस तरीके से हमारे सामने खजाना आए तो हम उसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज है, इसके अंदर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, हमारे अंदर जिज्ञासा आता है कि क्या होगा इसके अंदर। उसी तरीके से सीमापुरी में जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि अब हमको कबाड़ में क्या मिलने वाला है, वो काफी एक्साइटेड रहते हैं कि अब अगली चीज क्या होगी, या कुछ बॉक्स उनको मिला तो वो खोलेंगे कि इसमें क्या है, या कुछ और सामान मिला तो वो जो सोचते हैं इतना बड़ा सामान तो नहीं कि बहुत पैसा इससे आता है, इस तरीके से अंदर उसके उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए उनको क्या है, रैप्ड इन वंडर मींस उनका जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को लेने की कि इसके अंदर क्या होगा, इस चीज को हमको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। ये इसका फर्स्ट लाइन। सेकंड इसमें पूछता है बट बड़े लोगों के लिए ये मींस ऑफ सर्वाइवल है। अब बड़े लोगों के लिए मींस ऑफ सर्वाइवल क्यों है, क्योंकि वो कबाड़ ही है, वो कबाड़ ही है जो उन्हें पैसा देता है, उस कबाड़ को वो इकट्ठा करते हैं, उसको बेचते हैं, उनको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो दो वक्त की रोटी खा सकते हैं एंड उसी के दम पे वो जिंदा है, इसलिए उनके लिए क्या है, वो मींस ऑफ सर्वाइवल है। मींस ऑफ सर्वाइवल मींस जीने का एक तरीके से, जीने के लिए जरूरी चीज, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, रोटी और कपड़ा इसी से आता है उनको, इसलिए उनके लिए मींस ऑफ सर्वाइवल है। अब किस तरीके का लाइफ वो जीते हैं ये यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करता हूँ। समरी में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ बट अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये आंसर इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से ये आता है, लॉन्ग आंसर 5-6-4 मार्क्स के आते हैं इसलिए काफी लिखना पड़ता है इसमें। सो उनके रहने का तरीका क्या है, वो जो है पहले बांग्लादेश में रहते थे, मैंने आपको बताया था वहां उनके लहलहाते हुए ग्रीन खेत थे, वहां उनका घर था, बट एक बार तूफान आया, वो तूफान सब चीज को उजाड़ दिया, वो इंडिया में आ गया, सीमापुरी में, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें रखा है सीमापुरी में, और वो कहीं और रहना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर वो किसी खेत में काम करेंगे तो उनको धान नहीं देगा, वो उनको ग्रेन नहीं देगा, लेकिन वो अगर यहाँ पे है तो वहां, यहाँ पे वो खुद से गार्बेज इकट्ठा करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वो यही रहना चाहते हैं। सेकेंड उनका रहने का कंडीशन ये है कि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है बट उनके पास राशन है, राशन कार्ड है, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनको नहीं जानता कि ये आदमी कौन है, कोई उनको पहचानता ही नहीं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है एंड इस चीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, उनको नहीं चाहिए आइडेंटिटी, उनको बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, उनके पास राशन हो, वो इसी चीज में खुश है और इसी तरीके का लाइफ वो वहां पे जीते हैं। ये चीज हमको एक्सप्लेन कर देना है, फुल मार्क्स हमारे पास है, क्लियर। सो देखते हैं नेक्स्ट कुछ बचा क्या, सारे क्वेश्चन तो डील करिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके नो थैंक यू, बोला था ना लिमिटेड क्वेश्चन इसमें, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे एंड एक चीज मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसको चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये समरी आपको अच्छे से समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। होमवर्क जो मैंने आज एक ही दिया क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, बट वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ एंड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ हर कमेंट्स के, सो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वीडियो भी बहुत अच्छा था, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा एंड बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।